हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हम लोगों ने काव्यखंड का चौथा चैप्टर पढ़ा, छपय, जिसके राइटर हैं नाभादास, और उसके भावार्थ को यानी कि जो दो गो छपय था, एगो कबीर कबीरदास पे और एगो था सूरदास जी पे, वो दोनों को आप लोगों ने याद कर लिया। तो अब क्वेश्चन आंसर की बारी आती है, और क्वेश्चन आंसर भी इस प्रकार से आपको हम याद करवाएंगे, पढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, इसमें आठ को क्वेश्चन है और हम 8 मिनट से कम आपका समय लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, नाभादास ने छपे में कबीर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया, उनकी क्रम से सूची बनाइए। नाभादास जी जो थे कवि, छपे जो पहला कबीर जी के ऊपर लिखा गया, उनमें कबीर जी के कौन कौन विशेषता के बारे में बताया गया है, ओकर क्रम यानी कि लाइन बाय लाइन बताइए। आप नहीं बता सकते हैं, एगो कोनो पूछे वाला बात है। देखिए, नाभादास जी ने सब छपे में कबीर जी के निम्नलिखित विशेषताओं को बताया। पहला कि कबीर जी जो हैं किसी भी धर्म और जाति के जो हैं पक्ष में बात नहीं बोलते हैं। दूसरा कि कबीर जी जो हैं किसी के मुंह देखी बोली जो है नहीं बोलते हैं, कि एकर मुंह पे एकर अच्छा बात करेंगे, एकर मुंह पे ओकर अच्छा बात करेंगे, ये नहीं बोलते हैं। कबीर दास जी की कविताओं में जो है सुंदरता झलकती है कि नहीं। उनकी कविताएं जो हैं किसी भी धर्म जाति पे नहीं होती है, सिर्फ भक्ति पे होती है। तो ये सब विशेषता याद करे वाला था, आप ऐसे ही बता सकते हैं, है कि नहीं, अगर आप इससे पहले वाले क्लास को देखे होंगे। दूसरा देखिए, मुख देखी नाही भनी का अर्थ क्या है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। ये सब क्वेश्चन एक्चुअल में याद करे वाला नहीं है। मुख देखी नाही भनी, एक अर्थ आपको बताना है। अब एक अर्थ आप नहीं बताइएगा तो हमारा पढ़ावे से फायदा है। मुख देखी नाही भनी यानी कि इसका अर्थ यह है कि नाभादास जी कबीरदास के बारे में कहते हैं कि कबीरदास जी किसी का भी मुंह देखकर उसके बारे में जो उसके पक्ष में नहीं बोलते हैं, यानी कि ना ही वो हिंदू धर्म के पक्ष में बोलते हैं, ना ही वो मुसलमान धर्म के पक्ष में काची बोलते हैं, तो वो सिर्फ भक्ति के बारे में पक्ष में बोलते हैं, है कि नहीं। तब मुख देखी नाही भनी यानी कि मुख देखकर जो है वो बातें नहीं करते हैं। ये में कुछ था, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। तो कबीर पर यह इस प्रकार लागू होता है कि कबीर जी जो हैं ना ही हिंदू ना ही मुसलमान किसी के पक्ष में ना लिखकर हमेशा भक्ति के पक्ष में लिखे हैं, यही तो है। तीसरा देखिए, सुर के काव्य के किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है, सुर के काव्य के किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है, यानी कि सूरदास के कविताओं के किन विशेषताओं के बारे में कवि ने इस कविता में उल्लेख किया है। आप नहीं लिख सकते हैं कि सूरदास की जो कविताएं होती है उनकी कविताओं में जो है युक्ति होती है, यानी कि तरकीब चमत्कार होता है, उनकी कविताओं में अनुप्रास होता है, यही सब विशेषता लिखे हैं। तो सुर के काव्य में युक्ति चमत्कार अनुप्रास वर्ण जैसे विशेषताओं का उल्लेख कवि ने इस कविता में किया है। ये सब पढ़े लिखे वाला। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अर्थ स्पष्ट करें, सुर कवित्र सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। एक अर्थ लिखेला है, व्याख्या नहीं करना है, अर्थ लिखेला है। अर्थ और व्याख्या में अंतर का है, तो व्याख्या करेला कहता है तो हम लोग लिखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक जो राइटर रहता है ओकर नाम लिखते हैं, उसके द्वारा रचित इस पाठ से लिया गया है, लेकिन सिर्फ अर्थ लिखेला कहता है तो हम सिर्फ अर्थ लिखेंगे, है कि नहीं। अब कोनो हमारा से पूछेगा कि ये आपके पिताजी का क्या नाम है, तो हम बताएंगे कि हमारे दादा के है नाम था, हमारे बाबू के है नाम था, कि जो क्वेश्चन पूछेगा उतना ही हम आंसर देंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार सुर कवित्र सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो इस वाक्य का यह अर्थ है कि
इस वाक्य का यह अर्थ है कि कवि नाभादास जी यह कहते हैं कि कोई भी ऐसा कवि नहीं है जिसने सुर की कविताओं को सुनकर अपना सिर चालन यानी कि हामी नहीं भरा है। यही तो अर्थ है कि एक सुर कवित्र सुनी कौन कवि, यानी कोई भी ऐसा कवि नहीं है जिसने सुर की कविताओं को सुनकर अपना सिर चालन नहीं किया है। यानी जिसने भी सूरदास की कविताओं को सुना है उन्होंने हाँ में मुरी डुलाया है। ठीक है, अब देखिए ख नंबर, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। यानी इसका अर्थ लिखेला कहे आप नहीं लिख सकते हैं, भक्ति विमुख जे धर्म यानी कि जिस धर्म में भक्ति नहीं है उस धर्म को जो है कबीरदास जी धर्म नहीं मानते हैं बल्कि अधर्म मानते हैं। चाहे वो कौनो धर्म रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो धर्म नहीं है। अब देखा जाए पांचवा नंबर, पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी, ये जो है वो कविता के लाइन है कि नहीं? तो इसमें जो है इस पंक्ति में कबीर के किस गुण के बारे में बताया गया है? तो देखिए इस पंक्ति में कबीर के कौन से गुण के बारे में बताया गया है? तो इस पंक्ति में कबीर के इस गुण के बारे में बताया गया है कि पक्षपात जो है कबीर नहीं करते हैं, वो जो है सबके हित के बात करते हैं। यानी कि किसी भी जाति धर्म की वो बात नहीं करके वो सब के बात करते हैं और भक्ति के बात करते हैं। यह तो इसमें लिखल था है कि नहीं? छठा नंबर क्वेश्चन, कविता में तुक का क्या महत्व है? इन छपियों के संदर्भ में स्पष्ट करें। कविता में तुक का क्या महत्व है इन छपियों के संदर्भ में स्पष्ट करें। तुक का मतलब होता है कि कविता के जो एगो लाइन मान के चलिए लिखल होगा, चलिए जैसे कि ई वाला लाइन लेते हैं, सुनी कवित्र सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो ई एगो जो है ई लाइन है, तो ई लाइन के जो अंतिम वाला वर्ण होता है ना, किसी भी वाक्य जो शब्द होता है उसका जो अंतिम वाला वर्ण होता है उसी को तुक कहा जाता है। तो तुक का क्या महत्व है? तो इसमें हम लिखेंगे कि कविता में तुक का महत्व होता है किसी भी वर्ण के आखिरी वर्ण, किसी भी वाक्य के आखिरी वर्ण की आवृत्ति। बात फिर से समझिएगा, कविता में तुक का क्या महत्व है? तो कविता में तुक का महत्व होता है कविता के वाक्य के आखिरी वर्ण की आवृत्ति, ओकरे तुक कहल जाता है। क्वेश्चन एगो आप पूछ ले है इसी में, इन छपियों के संदर्भ में स्पष्ट करें। जो नाभादास जी द्वारा दुगो छप पे लिखा गया है उसमें जो है तुक का क्या महत्व है? तो छप पे हम बताए थे कि छह गो लाइन के जब लिखल जाता है कविता तो ओकरा छप पे कहते हैं। आ छप में तुक का ई महत्व है कि जो शुरू के चार गो लाइन होता है, चार गो लाइन ओकरा में जो है छंद होता है, लेकिन लास्ट के दू गो लाइन जो होता है ओकरा में जो है तुक का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? तो छप में महत्व क्या होता है? तो तुक के अंतिम दो लाइनों में जो है छप का ये तुक का जो है महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। समझ में आई? ये सातवां नंबर क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नहीं से का तात्पर्य है? कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? एकर एथिए में जो है एकर आंसर छुपल है। देखे कबीर यानी नाम है, कानी मतलब कान, राखी मतलब रखना, नहीं तो कबीर जो है कान पर रखते नहीं है काची। एकर कहे का मतलब कि कबीर जो है कोई आदमी के बात नहीं सुनता है। कहे के मतलब कि चाहे आप वर्ण श्रम की बात करें यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या कोनो दर्शन की बात करें जो उनमें छह गो दर्शन है उनमें कोनो जो बात लिखल है उसकी बात वो नहीं करते हैं। बात करते हैं भक्ति की, कोनो धर्म जाति की बात नहीं, वो भक्ति की बात करते हैं। तो एकरा में यही जो है एकरी तात्पर्य है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? तो कबीर कानी राखी नहीं से यह तात्पर्य है कि कबीर जो है किसी भी दर्शन,
किसी भी धर्म जाति के ग्रंथों में जो बात लिखा हुआ है या जो सुनाया जाता है भजन में, वो बात को जो है सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ भक्ति की बातें करते हैं। बस कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, अब पूरा जो है कबीर पढ़ लिए होंगे तो ओकरा में कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, तो कबीर ने भक्ति को धर्म से ज़्यादा महत्व दिया है कि धर्म जो है भक्ति के आगे कुछ नहीं है और जो धर्म में भक्ति नहीं है वो धर्म नहीं है, यही तो एक आंसर था। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन आंसर आपको याद हो गया होगा, याद हो गया है बस शेयर कर दीजिए।